प्रेजेंट डुगरिया फिल्म्स डेगाना डेगाना। आइए कला और संगीत के समागम के साथ शिक्षा और संस्कृति का दिव्य संयोग है और जहां पर देशभक्ति की तराने ना गूंजे तो मानो बात अधूरी है। इसलिए देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने के लिए अशोक टांडी और उनके बाद मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सम्मानीय देवकरण जी डारा अपना स्वागत उद्बोधन और संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे इस प्रस्तुति के बाद, और तत्पश्चात हम सभी सम्मानीय अतिथियों का मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे। अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप सबने देखी, संस्था की उपलब्धियाँ आप सबने देखी, जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं उन सबसे भी आग्रह है कि आप अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए एक अच्छे संस्थान का चुनाव करें और जहाँ पर कि माता पिता और बड़ा बढ़ेरा देव घरा का जान आशीष पायासु मौज मिले आ तीन आखर रह पान, ऐसे संस्कार वो सीखें। देशभक्ति के तराने प्रस्तुत हैं मुकेश टांडी। सर्वप्रथम जितने भी युवा साथी अतिथिगण विराजमान है उनसे मेरा आग्रह है कि मेरे साथ भारत माता का जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मयूर स्कूल के इस वार्षिकोत्सव के प्रांगण में मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ और जो पुलवामा हमले में हुए शहीद उन्हें सच सच नमन, और मयूर स्कूल के इस मंच से मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के इस वार्षिकोत्सव अरो में पधारे हुए परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, और हम सब के बीच में पले बड़े हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के धनी आदरणीय मेजर साहब चेनाराम जी बेरा, और हम सब के चहिते और मयूर ग्रुप के डायरेक्टर श्रीमान दारा साहब, और इन युवा नौजवान साथियों के भविष्य को संवारने वाले मयूर स्कूल के समस्त अध्यापकगण, सम्माननीय सभी मुख्य अतिथिगण और आदरणीय अभिभावक, मेरे युवा साथियों, सब वार्षिक उत्सव के इस समारोह में हमें शिरकत करने का अवसर मिला इसके लिए मैं सभी युवा साथियों अध्यापकों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और इन नौजवान साथियों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो दिल लगाकर दिन रात मेहनत करके अपने मुकाम पर पहुँचें, अपना, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का और अपने इस शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करें। कि किसी शायर का शेर है कि अंधेरों के गुलामों को कहीं परछाई मिलती है, अंधेरों के गुलामों को कहीं परछाई मिलती है, बिना डूबे क्या किसी को गहराई मिलती है। मेरे पिताजी ने ये बोलकर चौखट रखी थी, छोटे मेरे बेटे झुकाकर, क्योंकि झुकने से ऊंचाई मिलती है, क्योंकि झुकने से ऊंचाई मिलती है। पुलवामा हमले में जो माँ भारती के लाडले सपूत जो शहीद हुए थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैं अपनी दो लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि वो पुलवामा की घाटी में आंसू बो गए होंगे, वो पुलवामा की घाटी में आंसू बो गए होंगे, सितारे टूट कर अंबर में कब के खो गए होंगे, वो जीना चाहते थे अभी भी देश के खातिर, वो जीना चाहते थे अभी भी देश के खातिर, मगर देश के उन गद्दारों को देखा तो फिर से सो गए होंगे। बहुत बहुत आभार सभी का। एक भगत सिंह की मेरी छोटी सी जो मैंने अपने विचार है वो एक कविता के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जैसा अभी देश के हालात है तो इन हालातों में हमें बदलाव लाना है, किस प्रकार से हम देश के हालातों में बदलाव ला सकते हैं। वैसे जेवीपी मीडिया ग्रुप के हमारे जो डायरेक्टर हरिराम जी किवाड़ा है वो बेखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मैं भी जो अपने छोटे से विचार है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि फूलों की राह छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा,
फूलों की राह छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा, छोड़ मखमली सेजों को अब अंगारों सा जलना होगा। नारी शक्ति को रण में आकर, नारी शक्ति को रण में आकर अपना चंडी रूप धरना होगा, और देश बचाना है हमको तो भगत सिंह बनना होगा, अब भगत सिंह बनना होगा। वैष्णो माने आदरणीय मैजर साहब कवि सोनदान जी बैठे हैं, और इन सबको पता है अमृतसर पंजाब अभी वहाँ में वो रिट्रीट परेड होती है, वो देखने गया था। तो वहाँ पर परेड चल रही थी, एक तरफ बीएसएफ के फौजी और एक तरफ पाकिस्तान के फौजी थे। तो मेरे पास में एक जो हरियाणवी ताऊ थे वो बैठे थे, तो बार बार जो कोहनी जो बता रहे थे मुझे कि भैया देखो जो सामने पाकिस्तानी सेना है उनके जो फौजी है उनके 25-25 मेडल लगे हुए हैं, अब इनको जाके पूछो कि आपने लड़ाई लड़ी तीन और वो तीनों ही हारी, तो ये मेडल क्या लूडो खेल खेल के जीते आपने। वैष्णो माने शक्ति पाकर भैरों को सहारा था, वैष्णो माने शक्ति पाकर भैरों को सहारा था, और काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था। वैष्णो माने शक्ति पाकर भैरों को सहारा था, और काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था। झांसी की रानी ने बाण कटारी थामी थी, झांसी की रानी ने बाण कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी। जब त्राय त्राय हुई दिशाएं, जब त्राय त्राय हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में था, जब त्राय त्राय हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में था, उठा धड़कता वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था, उठा धड़कता वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। और जब मुगलों का आतंक बढ़ा, मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार उठाई थी। ये तो अपने डारा साहब एक बहुत ही अच्छा स्कूल का संचालन कर रहे हैं, वरना बाहर की स्कूलों में जो दिल्ली वहाँ सीबीएसई में वहाँ पढ़ाया जाता है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, और वहाँ पर वहाँ की स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि वो शहीद नहीं एक आतंकवादी था। तो मैं उनको इस मयूर स्कूल के मंच के माध्यम से, आप तभी युवा साथियों के माध्यम से आपकी तालियां उनके तमाचे के रूप में पड़े, मैं आपके सामने दो लाइनें पेश कर रहा हूँ। वो बताते हैं कि शहीद आजम जो था वो एक आतंकवादी था, कि वीर भगत सिंह का यौवन घर घर में पूजा जाएगा, वीर भगत सिंह का यौवन घर घर में पूजा जाएगा, अब कोई भी दुशासन चीर खींच नहीं पाएगा। जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है, अरे लातों का कोई भूत आज तक बातों से नहीं माना है, लातों का कोई भूत आज तक बातों से नहीं माना है। अरे गद्दारों गद्दारों दिन गिन लो, अशोक चीख चीख कर कहता है, गद्दारों दिन गिन लो, अशोक चीख चीख कर कहता है, अरे छोटे से ही सीने में एक भगत सिंह भी रहता है, छोटे से ही सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। आज सीबीएसई दिल्ली और वहां के बड़े बड़े संग्रहालयों में दिखाया जाता है कि महात्मा गांधी जी जिस रस्सी से अपनी बकरी को बांधते थे, आपको विश्वास नहीं है तो जाके संग्रहालय में दिल्ली में देख लेना, आज भी वो रस्सी वहां पर है, और छोटे छोटे बच्चों को और सबको दिखाया जाता है कि दर्शन करो इस रस्सी का, इस रस्सी से गांधी जी की बकरी को बांधा जाता है। साहब मैं गांधी जी का विरोध नहीं करता, उनकी बकरी का विरोध नहीं करता, उस बकरी की रस्सी का विरोध नहीं करता, लेकिन इस दिल में पीड़ा तब होती है जब 23-24 साल का नौजवान फांसी के फंदे को चूम गया, इस देश के लिए अपने प्राण नौछावर कर दिया, इस देश के लिए शहीद हो गया, और उसकी जो वो फांसी का फंदा है वो नहीं दिखाया जाता, तब इस दिल में पीड़ा होती है। मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डोंग दिखावे झूठे आदर्शों पर कूदो जितनी मर्जी है, डोंग दिखावे झूठे आदर्शों पर कूदो जितनी मर्जी है, गांधी जी की बकरी जी की रस्सी पूजो जितनी मर्जी है, जयचंदों की पूजा से भगवान नहीं हो जाओगे, बस राम राम बज लेने से हनुमान नहीं हो जाओगे। भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था, मेरी कविता का जो शीर्षक है वो मैं सौंप रहा हूं।
भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था, दिखला दो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।